मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना सोलापूर बरोबरच विजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर। चाचा मच्छी ढाबा, विजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर। संपर्क 97 64 66 495। सोलापूर शहर व जिल्हा काँग्रेस सेवा दलची महत्त्वाची बैठक माजी गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, प्रदेश कार्याध्यक्ष आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अखिल भारतीय काँग्रेस सेवा दल सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रभारी लालजीभाई मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रदेश कार्याध्यक्ष राकेश शेट्टी, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, सोलापूर शहर काँग्रेस अध्यक्ष चेतन नरोटे, माजी आमदार प्रकाश यलगुलवार, सेवा दल यंग ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष सुदीप चाकोते, सेवा दल जिल्हा अध्यक्ष राजेश पवार आणि मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत या कार्यक्रमाचे संयोजक भीमाशंकर टेकाळे यांनी काँग्रेस भवन सोलापूर येथे आयोजित केले होते। तसेच यावेळी सेवा दलच्या अनेक नूतन पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी करून त्यांचे निवडपत्रही देण्यात आले। यावेळी बोलताना लालजीभाई मिश्रा म्हणाले की सेवा दल ही सेवा करणारी संघटना असून पक्षाला शिस्त लावणारी आहे। आगामी काळात महानगरपालिका लोकसभा निवडणुका लागणार आहेत, त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी आता घरात न बसता राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेसारखे जनतेत जाऊन काँग्रेस पक्षाची विचारधारा, धोरणे, केलेली विकासकामे यांची माहिती देऊन त्यांच्या अडचणी सोडवा। त्यांच्या सुखदुःखात सहभागी झाल्यास काँग्रेसबद्दल जनतेत चांगले वातावरण निर्माण होईल, असे त्यांनी म्हटले। दरम्यान या बैठकीस चेतन नरोटे, महिला अध्यक्ष प्रमिला तुपलवंडे, कार्याध्यक्ष मनोज यलगुलवार, प्रदेश चिटणीस किसन मेकाले, नरसिंह आसादे, नगरसेवक विनोद भोसले, दत्वाना बंदपट्टे, रियाज हुंडेकरी, नगरसेविका फिरदोस पटेल, हेमा चिंचोळकर, सेवादल अध्यक्ष भीमाशंकर टेकाळे, अंबादास बाबा करगुळे, देवाभाऊ गायकवाड, बाबूराव म्हेत्रे, एन के क्षीरसागर, शौकत पठाण, केशव इंगळे, नागनाथ कदम, वाही बिजापुरे, अनिल म्हस्के, प्रवीण जाधव, सुमन जाधव, ॲडव्होकेट करिमिनिसा बागवान, शोभा बोबे, महेश लोंढे, अंजली मंगोळेकर, लता गुंडला, मीरा घट कांबळे, अरुणा बेंजरपे, अशोक कलशेट्टी, गजेंद्र खरात, तिरुपती परकीपंडला, अप्पासाहेब बगले, अभिलाष अच्युगटला, श्रीशैल रणखांबे, मुन्नाभाई शेख, रंजिता मुंडत्रे, विठ्ठल झिपरे, सोनटक्के हवालदार, व्यंकटेश गोण्याल, हाजी मेहमूद शेख, दीपक मठ यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही उपस्थित होते। यावेळी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक भीमाशंकर टेकाळे यांनी तर सूत्रसंचालन अशोक कलशेट्टी व आभार हारून शेख यांनी मानले। दल का एक डिस्ट्रिक्ट कैंप यहाँ पे आयोजित किया जाए जिसमें करीबन 200 कार्यकर्ता रहेंगे। 3.5 दिन का ये कैंप रहेगा और इनको हम लोग सहयोगी कैंप कहते हैं। स्टेट लेवल पे जो कैंप है उसको हम लोग समर्थ कहते हैं और जो नेशनल लेवल का कैंप है वो 10 दिन का ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कैसा है कि ये हमारे कांग्रेस विचारधारा से आते हैं मगर हमारे जो कार्यकर्ता है इनको जब तक ये पता नहीं है कि कांग्रेस विचारधारा क्या है, कांग्रेस का इतिहास क्या है और कांग्रेस वे भारतीय जनता पार्टी के ये जो मिशनरी है मीडिया और सोशल मीडिया वो हमसे आगे है। उनसे अगर आपको लड़ना है तो यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में और शहर में 200 लोगों का ट्रेनिंग कैंप होना जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है प्रकाश यलुंडवार की है और ये आप तमाम जो यहाँ पे आपके लीडर्स हैं आप लोग ये सेवा दल के ट्रेनिंग कैंप में सपोर्ट करेंगे, सहभाग लेंगे और इस सेवा दल का जो प्रशिक्षण का हमारा जो मिशन है महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में आगे 3 महीने में ये कैंप हमें शुरू करना है क्योंकि 1 साल बचा है लोकसभा के लिए। आज आप देखिए बैंगलोर के अंदर हमारे जितने विचारधारा हमसे मिलते हैं ऐसे पार्टियों का मंथन चालू है। आज सोनिया गांधी स्वयं वहां पे है और करीबन मुझे ऐसा खबर मिला है कि 26 पार्टियां जो करीबन आज देश में 100 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रही है इतनी पार्टियां एक साथ आज बैंगलोर में। और जैसे हमने विरोधी पक्ष का गठ बनाना शुरू किया आज खबर मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मोर्चा बांधना शुरू किया है और उन्होंने ये कहा है कि 38 पार्टी उनके पास है। मैं तो ऐसे पार्टियों का नाम नहीं सुना जिसका उन्होंने नाम उस लिस्ट पे डाला है। तो आगे अभी 1 साल बचा है दोस्तों और मुझे पूरा विश्वास है अगर सेवा दल मजबूत होता है तो सोलापुर में विधानसभा हो या लोकसभा दोनों भी सीट कांग्रेस पार्टी का होगा और बहुत जोरदार विजय हमारा होगा यहाँ। मैं इन्होंने जिक्र किया कि डिजिटल मेंबरशिप में आपने सबसे सोनिया जी, राहुल जी, जितने भी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सब हमारे कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं।
कांग्रेस सेवा दल हमेशा कांग्रेस में समर्पित रूप से काम किया है। कांग्रेस सेवा दल को पहले हिंदुस्तानी सेवा दल के नाम से पुकारते थे, जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू सेवा दल के प्रथम अध्यक्ष थे। इस तरीके से सेवा दल हमेशा हर वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए संगठनात्मक काम करना और सहयोग देने की बात हमेशा करते थे। सबसे पहले तो हम निवेदन करेंगे, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि सबसे पहले जिला का गठन होना चाहिए, जिला का ब्लॉक का गठन कंप्लीट करेंगे। जो उसमें हमने प्रोफार्मा भेजा है, उस प्रोफार्मा के हिसाब से पूरी तरीके से आप गठन करिए और फिर कार्य का विभाजन करिए। जो सेवा दल के जिला के पदाधिकारी हैं उनको ब्लॉक का